सो गाइस अब डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स पे प्लेनर डेंसिटी निकालने का समय आ चुका है. सो डियर प्लेनर डेंसिटी की डेफिनेशन एक बार फिर आपके सामने रख रहा हूं. इट वाज डिफाइंड एज एवरेज नंबर ऑफ एटम्स हूज प्लेन्स सो द एवरेज नंबर ऑफ एटम्स whose centers are intercepted by the plane to the area of plane. So guys, आपको याद है तीन तरह के planes हमने देखे थे, दो बार जीरो एक बार वन, दो बार एक एक बार जीरो, तीनों बार वन वाले. So guys, सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप के प्लेन्स की बात करते हैं जो कि थे 100, 010, 001. ऐसे सभी प्लेन जिनमें एक बार एक और दो बार जीरो आता है, इनका एरिया होता है ए स्क्वायर. गाइस एक यूनिट सेल बना दी तो बनती है यहां पर. ओके हमें देखना किस किस के लिए, बीसीसी एफसीसी इन दोनों का ही काम करना है पूरा. बस So this is x, z, y. So dear A, B, C, D. तो किसी भी एक प्लेन को ले लो, सारे लेने की जरूरत थोड़ी है क्योंकि उन सभी प्लेन की डेंसिटी सेम आनी है. A, B, C, D को ले लेते हैं भैया, ठीक है. A, B, C, D. मतलब we are talking about प्लेन A, B, C, D. से इसलिए क्योंकि ऐसे बहुत सारे किसी एक को ले लो. तो अब पहले बात करेंगे बीसीसी के लिए और फिर एफसीसी के लिए. अगर मैं एबीसीडी को ले रहा हूं बीसीसी में, तो डियर आप अच्छे से जानते हो यहां पर सिर्फ कॉर्नर एटम्स आएंगे और कोई नहीं आएगा. ओके तो पूरे नहीं दिखा रहा हूं साइड में, छोटे छोटे दिखा रहा हूं. मुझे पता है कि एबीसीडी प्लेन पे बॉडी सेंटर एटम का सेंटर नहीं आता, टच करता है वो सेंटर नहीं आता. टच भी अगर मैं बोलूं तो सही में, बल्कि जब मैं टच की भी बात कर रहा हूं तो ये चार एटम्स को टच करेगा, दैट इज फॉर श्योर. बट यस एटम का सेंटर इस प्लेन पे नहीं आएगा. साफ साफ बोल रहे हैं एवरेज नंबर ऑफ एटम्स हु सेंटर्स आर इंटरसेप्टेड बाय द प्लेन. अगर इस एबीसीडी प्लेन पे बॉडी सेंटर एटम का सेंटर नहीं आ रहा है तो बॉडी सेंटर एटम काउंट नहीं होगा. ओके और जब मैं बात प्लेनर डेंसिटी की कर रहा हूं तो अब मैं एटम को स्फीयर फील नहीं करूंगा, अब मैं एटम को सर्कल फील करूंगा क्योंकि 2D में तो सर्कल ही कहलाएगा ना. और अगर मैं इसको सर्कल फील करूंगा गाइस, तो आप इस चीज को फील कर सकते हैं कि टोटल एटम जो है वो 360 डिग्री है और इस प्लेन के अंदर कितने डिग्री का आ रहा है, 90 डिग्री. तो आप जानते हो 1/4 ऑफ द एटम विल बी कवर्ड इन दिस प्लेन. क्योंकि अगर मैं एटम को सर्कल मानूंगा तो 90 डिग्री जितना जो होगा वो 1/4 ऑफ द सर्कल कहलाएगा. ओके so it is going to be 1/4 of the circle. पहले 1/8 लिख रहे क्योंकि हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात करते हैं. वॉल्यूम नहीं, अब सर्कल, अब क्या बन चुका है एरिया. एरिया इज सर्कल. आपको पता है स्फीयर का अगर आप देखेंगे यहां पे 2D में से वो सर्कल आएगा, है ना, प्रोजेक्शन क्या आएगा सर्कल. तो इस सर्कल का 1/4 ऑफ द पार्ट इस प्लेन पे होगा. अगर आप इसको थोड़ा सा और लेबोरेटरी देखना चाहते हैं, लेबोरेटरी देखना चाहते हैं तो ऐसा देख लें. देखो ऐसे ही तो था हमारा एटम, बॉडी सेंटर ने इन सबको जुदा कर दिया था आपस में. यस तो आप इतना समझ लें कि अभी सर्कल है, अभी स्फीयर नहीं है क्योंकि आप एक प्लेन पे इनके प्रोजेक्शन दिखा रहे हो. प्लेन पे प्रोजेक्शन दिखा रहे हो तो अभी सर्कल बने और ये सर्कल का 1/4 पार्ट कवर होगा इस प्लेन के ऊपर. अब बात यूनिट सेल की भी नहीं रहेगी, अब बात प्लेन की हो चुकी है. तो 1/4 ऑफ 4 एटम्स इज गोइंग टू बी 1 एटम. तो जब आप एवरेज नंबर का कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा, 1/4 × 4 इट इज 1. प्लेनर डेंसिटी विल बी 1/a² for BCC. Next let us see for FCC. अगर FCC के लिए सेम बात करेंगे तो इस बार कहानी थोड़ी सी अलग है क्योंकि आपको पता है कि चार ये तो आएंगे, एक फेस सेंटर भी आएगा. अब ये फेस सेंटर भी स्फीयर नहीं है, क्या बन चुका है सर्कल. अगर ये स्फीयर होता तो आधा बार आधा अंतर, तब यूनिट सेल की बात कर रहे थे. अब प्लेन है तो प्लेन पे क्या बन चुका है इसका प्रोजेक्शन सर्कल, और आप देखो पूरा का पूरा सर्कल इसी प्लेन पे आ रहा है और सेंटर भी इसी प्लेन पे लाई कर रहा है. तो गाइस ये पूरा का पूरा कंप्लीट इसी में काउंट होने वाला है क्योंकि जब हम 2D में बात कर रहे हैं तो हम स्फीयर का प्रोजेक्शन लेंगे उस प्लेन के ऊपर.
अब उस प्लेन में जो भी प्रोजेक्शन आएगा वो सर्कल आएगा, ऑब्वियसली बात है स्फीयर का, तो अगर प्रोजेक्शन सर्कल आएगा तो देखना है सर्कल का कितना पार्ट इस प्लेन पे है, पूरा आएगा तो इट विल बी कंप्लीटली काउंटेड, और ये तो एज यूजुअल 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, तो गाइस चीजें ऐसे चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो अब जब यहां पे एवरेज नंबर ऑफ एटम्स आप निकालोगे तो देखो 4 × 1/4 + 1 तो कितना हो गया भैया 2, प्लेनर डेंसिटी कितनी आ गई 2/a² ओके गाइस, तो अभी हमने देखा एक तरह के प्लेन के लिए, अगले दो तरह के प्लेन्स के लिए भी देखते हैं इस कैलकुलेशंस को, और इसके बाद फिर हम मिलर डायसिस की तरफ जाएंगे लीनियर डेंसिटी कैलकुलेशंस के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए गाइस अब दूसरी टाइप के प्लेन्स की बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लेन इज प्लेन AFGD, now this is plane AFGD, it is of type, आपको पता है 2 × 1 × 0 इस टाइप के प्लेन्स के लिए। एग्जाम्पल में लिख सकते हो AFGD लिख ही दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया में लिख सकते हो √2a², एरिया इज √2a². सो डियर नाउ लेट अस स्टार्ट BCC। जब बात BCC की होगी तो ऑब्वियसली डायगोनल प्लेन है तो कुछ सोचना ही नहीं है भाई, जो एटम स्फीयर था उसका प्रोजेक्शन यहां पर ऐसा ही तो आएगा, और यहां पर बॉडी सेंटर वाले एटम का प्रोजेक्शन पूरा ही आ जाएगा। वैसे तो ऑब्वियसली वो कांटेक्ट में होगा इन सबके, पर हम क्योंकि पूरा एटम नहीं दिखा रहे, हम तो छोटा सा ही दिखा रहे हैं, है ना, कंप्लीट व्यू थोड़ी दिखा रहे हैं। कंप्लीट दिखाएंगे तो चारों को कांटेक्ट करेगा। तो गाइस अब अगर आप देखें तो ये बॉडी सेंटर एटम और ये चारों कोल्डर एटम्स है, तो इनकी प्रोजेक्शन तो लिया मैंने, तो अब एवरेज नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे 1/4 × 4 + 1, इट इज गोइंग टू बी 2 एंड प्लेनर डेंसिटी इज गोइंग टू बी 2/√2a². ओके, ये चीज अगर आप FCC में देखेंगे तो मामला थोड़ा अलग है। डियर FCC में जब आप देखेंगे तो क्या आएगा, देखते हैं जरा AFGD तो गाइस एक तो यहां पर एज यूजुअल ये चार हो गए कॉर्नर एटम्स। एंड गाइस इसी तरीके से अगर हम बात करें फेस सेंटर एटम जो होगा, अगर आप ध्यान से फील करो जो यहाँ पे फेस सेंटर एटम पर, जब उसको स्फीयर की तरह फील करोगे तो वो आधा इसके नीचे प्रोजेक्ट होगा और आधा इसके ऊपर। सर्कल दे रहे हैं हम तो प्रोजेक्शन निकालेंगे, स्फेरिकली देखोगे तो आधा AF के नीचे होगा और आधा AF के ऊपर। सिमिलरली यहाँ वाला भी आधा इसके ऊपर आएगा और आधा इसके नीचे, क्योंकि स्फीयर तो 3D में है ना, वो सिर्फ ऐसे थोड़ी है, वो ऐसे भी तो है। यस, तो जब आप ऐसा देखेंगे तो कहने का मतलब ये है कि आधा एटम ये काउंट हो जाएगा, आधा एटम ये काउंट हो जाएगा, तो फेस सेंटर एटम हाफ ऑफ विल कम हियर, आधा नीचे आधा ऊपर। तो एवरेज नंबर ऑफ एटम्स जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना 1/4 × 4 + 1/2 × 2, इट इज अगेन 2, प्लेनर डेंसिटी इज गोइंग टू बी 2/√2a². ओके गाइस, तो अब हम देख रहे हैं अगले प्लेन को। नेक्स्ट प्लेन इज बेसिकली 1/1/1 प्लेन। यस, लेट अस मेक इट हियर। Now we are going to talk about plane DEG 1/1/1 type, and guys इस plane का जो area होता है √3/2a² होता है, और √3a² होता है, याद है, it was √3/4 √2a² ऐसे ही क्या था,
तो रूट थ्री टू से टू कट जाएगा, रूट थ्री बाई टू ए स्क्वायर, ये सीधा एरिया। सो डियर अब अगर इस प्लेन की बात करेंगे, सबसे पहले बीसीसी को ले, सॉरी एफसीसी को ले लो। एफसीसी के लिए सोचना बहुत आसान है। अब आप जानते हो इस ट्रायंगल के तीनों की तीनों साइड क्या है, रूट टू ए, रूट टू ए, रूट टू ए। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो जब आप इस पे कॉर्नर आइटम बनाओगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल कितना होता है, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। जब आप इस पे कॉर्नर आइटम बनाओगे तो कॉर्नर आइटम इस पर 160 आएगा इस प्लेन के अंदर, कॉर्नर आइटम का प्रोजेक्शन इस पे बनेगा तो ओनली 160 विल बी काउंटेड। बट गाइस एट द सेम टाइम क्योंकि ये तीनों डायगोनल है तो इन तीनों डायगोनल पे ऑब्वियस सी बात है फेस सेंटर आइटम आधा अंदर होगा आधा बाहर, इस पर भी आधा अंदर होगा आधा बाहर, इस पर आधा ऊपर होगा आधा नीचे। सो गाइस तीनों आधे आधे आ जाएंगे प्लेन के अंदर प्रोजेक्शंस, और आधे आधे बाहर। तो गाइस अब जब हम देखेंगे एवरेज नंबर ऑफ एटम्स तो इट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 1/6 ऑफ 3, 1/2 ऑफ 3, 1/2 प्लस 3 बाय 2, अगेन इट इज 2। सो प्लेनर डेंसिटी कैलकुलेशन विल बी 2 बाय रूट 3 बाय 2 ए स्क्वायर, ओके इट इज 4 बाय रूट 3 ए स्क्वायर। गाइस अब देखते हैं बीसीसी के लिए, है ना, इसके साथ कैलकुलेशंस खत्म हो जाएंगी, बस चलिए बढ़ते हैं। चलिए गाइस तो हम देख रहे थे, एक बार फिर से रिसर्च बना रहा हूं क्योंकि वो काफी लंबी हो चुकी थी अब भर-भर के, ओके और यहाँ पर जरूरत भी है एक नई यूनिट सेल की, इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा टिपिकल है। चलिए देखते हैं। सो अगेन एबीसीडी ईएफजीएच। सो डियर अब जिस प्लेन की हम बात कर रहे हैं वो है प्लेन डीईजी। 111 इज द टाइम फॉर दैट प्लेन, एरिया इज रूट 3 बाय 2 ए स्क्वायर। बात बीसीसी की करनी है, स्टडी जब हम बात बीसीसी की करेंगे तो जैसे पहले ये रूट टू ए, रूट टू ए और रूट टू ए इक्विलेटरल ट्रायंगल था भी है, एंगल 60 60 60 है, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। स्टडी एक चीज में तो कुछ सोचना ही नहीं है कि इसमें तीन आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे भाई, तीन कॉर्नर आइटम्स, और कॉर्नर आइटम का तो वही 1/6 पार्ट विल बी कवर्ड है। अब सोचना ये है कि बॉडी सेंटर आएगा कि नहीं। अब डियर देख के तो लोग सब बोल देते कि बॉडी सेंटर आएगा सर, बट मैंने आपको बताया सिर्फ उन्हीं आइटम्स को कंसीडर करते हैं जिसका सेंटर प्लेन पे लाई करे। तो गाइस अब जब आप बॉडी सेंटर आइटम का सेंटर लाई करा रहे थे इस वाले प्लेन पे ए एफ जी डी, तो जब वो इस प्लेन पे लाई कर रहा था तो इस वाले पे कैसे कर सकता है, दोनों का इंटरप्लेनर डिस्टेंस ही अलग अलग है ना, तो दोनों का इंटरप्लेनर डिस्टेंस अगर अलग अलग है, जब ए एफ जी डी पे आप उस प्लेन का सेंटर उस एटम का सेंटर लाई करा रहे थे तो कैसे इस वाले पे कर सकता, नहीं कर सकता। फिर भी मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको चेक कराऊं। गाइस ये जो प्लेन है डी ई जी प्लेन, अगर आप देखिए इस प्लेन के मेजर इंडाइसेस क्या है, 111, तो इसका ओरिजिन से डिस्टेंस, बेसिकली इंटरप्लेनर डिस्टेंस जो क्या बताता है, ओरिजिन से डिस्टेंस, क्योंकि वो ओरिजिन से उसके पैरेलल प्लेन का डिस्टेंस बता रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ओरिजिन से डिस्टेंस बता रहा है। तो इस डिस्टेंस को जब आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा a बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इट इज a बाय रूट 3। और आपको पता है a जो है bcc के लिए होती है 4r बाय रूट 3, जब हम इसको कैलकुलेट करोगे तो 4r बाय रूट 3 इनटू रूट 3 क्या देगा, 4 बाय 3r। इसका मतलब है कि जैसे अगर मैं 2d में आपको दिखाऊं तो आप जानते हो एक तो होगा कॉर्नर एटम ऐसे इस एच पॉइंट के ऊपर, और इस कॉर्नर एटम के साथ
जब आप बॉडी सेंटर एटम की बात कर रहे हो, अगर आप जैसे बॉडी सेंटर एटम इससे अगर टचिंग में होगा उसका अगर रिलेशन दिखा भी दूं तो ऐसे ही होगा। तो यहां से जो डिस्टेंस अगर आप बनाएंगे, दिस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2r, है ना। जबकि गाइस अगर हम बात करते हैं इसकी जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस है डी 4/3r, तो इसका मतलब तो ये कि वो प्लेन तो यहीं से पास कर जाएगा भैया, दैट प्लेन विल बी पासिंग फ्रॉम दिस ओनली 1.33 ऑफ r। तो ऑब्वियस सी बात है बॉडी सेंटर वाले का सेंटर इस पे लाई करने से रहा, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस मैं दिखा रहा हूं ये 3D में दिखा रहा हूं, ऑब्वियसली जैसे जो एटम का स्फीयर है जैसे बाहर की तरफ होगा फिर इससे बॉडी सेंटर मिला होगा, तो r + r2r और प्लेन जो पास कर रहा है 1.33r से। ऑब्वियसली मैं 3D में दिखा रहा हूं पर 2D डायग्राम में 3D बनेगा तो कंफ्यूजन आ सकता है। सो गाइस दिस इज द, मैं आपको ऐसे शो कर सकता हूं कि एक स्फीयर है ऐसे, इस स्फीयर से बॉडी सेंटर ऐसे लगा हुआ है, तो ये r और + r 2r इज द डिस्टेंस है, ओके दिस डिस्टेंस इज 2r, और जब प्लेन पास कर रहा है वो यहीं से कर रहा है, ये जो प्लेन पास कर रहा है उसका डिस्टेंस कितना 1.33r। तो एटम का सेंटर आ रहा है यहां और ये साथ पास कर रहा है यहीं पे, तो एटम का सेंटर बाहर में आ रहा है। और आप वैसे तो इतना सारा तामझाम करने की जरूरत नहीं, आपको समझना चाहिए कि अगर ए एफ जी डी पे सेंटर लाई कर रहा है तो डी ई जी पे सेंटर लाई कैसे कर सकता है, नहीं कर सकता। एक सेंटर दो डिफरेंट प्लेन पे थोड़ी लाई कर सकता है, जबकि दोनों डिफरेंट प्लेन का सेंटर से ओरिजिन से डिस्टेंस ही अलग अलग है, बिल्कुल नहीं कर सकता। सो गाइस फिर भी मैंने आपको दिखा दिया रीजन उसका, ओके। तो सेंटर है 2r डिस्टेंस पे, ऑब्वियसली समझ आ रहा ना, यहां पे जो क्वार्टर एटम है उसका बॉडी सेंटर एटम तो r + r 2r डिस्टेंस पे होगा, पर प्लेन इतने डिस्टेंस से पास कर रहा है 1.33r से, तो ऑब्वियसली बात है वो एटम इसके अंदर नहीं आएगा, इसलिए मैंने बनाया भी नहीं है। तो यहां पे जब आप एवरेज नंबर ऑफ एटम्स निकालोगे तो क्या आ जाएगा, इट इज गोइंग टू बी 1/6 of 3, इट इज 1/2। तो प्लेनर डेंसिटी कैलकुलेशन इज 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 a स्क्वायर, it is 1/√3a square. Okay guys, this is the planar density for BCC 111 type of plane, है ना। अब guys, अब मैं आपको एक पूरी टेबल दिखाता हूँ जिसमें सारे डेंसिटीज को दिखाऊंगा और एक थोड़ा सा 2 मिनट का एनालिसिस करेंगे, इसके बाद फिर हम लीनियर डेंसिटी कैलकुलेशन शुरू करेंगे, मिलर इंडाइसेस और सेम कैलकुलेशंस उसके साथ, ये चैप्टर खत्म होने को है। उसके बाद अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं वो होगा क्रिस्टल डिफेक्ट्स, इन बिटवीन को भी टेस्टिंग और प्रॉपर्टीज वाला भी देख लेंगे, डोंट वरी, वो सोम और एमडी तो सोम और मटेरियल्स हैं दोनों मिलेगा। चलिए गाइस बढ़ते हैं आगे, चलिए गाइस। तो ये सारे कैलकुलेशंस अभी हम लोगों ने देखे हैं बीसीसी और एफसीसी के लिए, तो जब आप देखेंगे तो यहां पर ये 1/a² या 2/a² आया था, ये 2/√2 1/√3 और 4/√3। सो डियर जब आप इनको कंपैरिजन करेंगे से एफसीसी में देखोगे तो एफसीसी में ये हाईएस्ट दिखेगा आपको और बीसीसी में ये हाईएस्ट। तो कहने का मतलब है बीसीसी फॉर बीसीसी इट इज प्लेन 101 एंड फॉर एफसीसी इट इज प्लेन 111 व्हिच आर हैविंग हाईएस्ट प्लेनर डेंसिटी। सो डियर ये वो प्लेन्स है जहां पे प्लेनर डेंसिटी मैक्सिमम है, यस दीज आर हैविंग मैक्सिमम प्लेनर डेंसिटी। और गाइस ऐसे प्लेन जिन पे प्लेनर डेंसिटी मैक्सिमम होती है इनको कहा जाता है क्लोज्ड और क्लोजली पैक्ड प्लेन्स, पैक्ड प्लेन्स, और दे कैन आल्सो गिवन द नेम ऑफ स्लिप प्लेन्स। मतलब ये ऐसे प्लेन है जिस पे एटम्स बहुत क्लोजली पैक्ड है, क्लोजली मतलब पास पास, है ना। अब भाई सेम जगह में अगर ये जैसे आप देख रहे हो, मान लो एक प्लेन्स की अगर हम बात करें डेंसिटी मैक्सिमम होने का क्या मतलब है कि अगर हम दो प्लेन्स का सेम एरिया मान के चलते हैं तो जहां एटम ज्यादा होंगे उसी को तो क्लोजली पैक या मोर डेंस प्लेन बोलेंगे। मतलब इन प्लेन्स के अंदर डेंसिटी ऑफ एटम ज्यादा है, इसमें ज्यादा एटम्स है। तो गाइस जब सेम एरिया पे मतलब अगर ज्यादा डेंस है एटम ज्यादा है तो एटम्स के बीच का गैप बहुत कम हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है पास पास होने का मतलब गैप कम हो गया। गैप कम हो गया तो मान लो एक एटम को मुझे दूसरे एटम की पोजीशन पे पहुंचाना है तो गाइस जो वर्कडन करना पड़ेगा वो कम हो जाएगा क्योंकि फोर्स इनटू डिस्टेंस इज वर्कडन। मैंने आपसे कहा मान लो एक प्लेन पे दो एटम इतनी दूर है, दो एटम्स के सेंटर की बात कर रहा हूं एटम्स की नहीं, मान लो एक प्लेन पे दो एटम के सेंटर इतनी दूर है, दूसरे प्लेन पे दो एटम के सेंटर इतनी दूर है, तो यहां डिस्टेंस कम है या डिस्टेंस ज्यादा है। अब मान लो मुझे इस एटम को इस एटम के पास इस एटम की जगह पे डिस्प्लेस करना है और यहां पे इस एटम को इस एटम पे डिस्प्लेस करना है, तो ऑब्वियसली यहां जो वर्क डन डिफाइंड होता है वो क्या होता है, होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, f डॉट ds होता है, तो f डॉट d होता है, तो ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
तो डी अगर डिस्प्लेसमेंट कम है तो ऑब्वियस सी बात है वर्क डन कम हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है इन प्लेन्स में जो भी क्लोजली पैक्ड है वर्क डन क्या होगा कम, और वैसे भी जब गाइस वो एटम्स पास पास आ चुके हैं तो उनका बीच का जो डिस्टेंस है अगर वो बॉन्ड लेंथ से कम हो गया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है क्लोजली पैक्ड है तो एटम एक दूसरे के पास है, पास है तो उनके बीच का गैप जो है वो बॉन्ड लेंथ से थोड़ा कम हो सकता है, और अगर उनका बैच बॉन्ड अगर उनका गैप बॉन्ड लेंथ से कम हो गया तो गाइस देयर विल बी अनस्टेबिलिटी, क्योंकि आपको अंदर दो एटम्स पे दो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज रिपल्शन, दो न्यूक्लियस के साथ साथ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज रिपल्शन, बट गाइस एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, दूसरे का न्यूक्लियस पहले के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेंगे, फिर सेम चार्जेस रिपेल एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, और अगर ऐसा है तो दो एटम्स के बीच में बहुत सारे अट्रैक्टिव फोर्स है, बहुत सारे रिपल्सिव फोर्सेस है, मैंने कहा था कि एटम्स वांट टू बी एट मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट, तो एटम पास आएंगे रिपल्शन बढ़ेगा, दूर जाएंगे अट्रैक्शन बढ़ेगा, ऐसे डिस्टेंस पे रहते हैं जिसमें वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट पे रहे या जीरो पोटेंशियल एनर्जी स्टेट पे रहे, जहां पर उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो मिनिमम हो उसको मैक्सिमम स्टेबल कंडीशन कहा जाता है, तो वो स्टेबिलिटी में रहना चाहते हैं, बट गाइस क्लोजली पैक्ड प्लेन में क्योंकि उनके बीच का गैप कम हो सकता है और मूव करने में वर्क डन कम है, तो इस वजह से जो वो प्लेन्स होते हैं उन प्लेन्स में अनस्टेबिलिटी होने के कारण उन प्लेन्स के लोग एटम्स को मूव करना बहुत ही आसान होता है, और इसीलिए इन प्लेन्स को स्लिप प्लेन्स कहा जाता है। अब प्रश्न ये है कि स्लिप होती क्या है, गाइस स्लिप होती है मूवमेंट ऑफ डिसलोकेशन, इट इज सेड टू बी मूवमेंट ऑफ डिसलोकेशन, ओके, और डिसलोकेशन क्या होती है, डिसलोकेशन इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स व्हिच इज डिसलोकेटेड फ्रॉम इट्स पोजीशन, ग्रुप ऑफ एटम व्हिच इज डिसलोकेटेड फ्रॉम इट्स पोजीशन, सो डियर इट इज सेड टू बी बेसिकली मूवमेंट ऑफ डिसलोकेशन, सो डियर ग्रुप ऑफ एटम्स डिसलोकेटेड फ्रॉम इट्स पोजीशन slip, it is movement of dislocation. So guys, hope you are getting it that group of atom dislocated from its position is said to be dislocation. Movement of dislocation is slip. And guys, जिन planes में slip हो सकती है वो slip plane. And guys, मैं आपको बता देना चाहता हूँ slip जो है वो indication होता है ductility का. अगर slip ज़्यादा हो सकती है तो ductility ज़्यादा होगी. तो इट इज द इंडिकेशन ऑफ डक्टिलिटी, क्योंकि स्लिप मतलब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मींस डक्टिलिटी, ये हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बहुत डिटेल में देख चुके हैं माय डियर स्टूडेंट्स, और आपने देखा भी होगा इसमें बहुत डिटेल डिस्कशन हमने किया था, तीन तीन साढ़े तीन तीन घंटे में स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को देखा है बहुत डिटेल वर्जन में. चलिए गाइस, दिस इज समथिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड, तो चलिए बढ़ते हैं आगे गाइस, दिस इज वन कैलकुलेशन ओवर, नेक्स्ट कैलकुलेशन इज रिलेटेड टू लीनियर डेंसिटी, चलिए देखते हैं.